नमस्कार व्यूवर्स, मैं एसएन शर्मा मोटिवेशनल स्पीकर और आप देख रहे हैं मेरा वीडियो, क्यों 10% ठेकेदार सफल होते हैं और 90% ठेकेदार असफल। वीडियो का ये टॉपिक है और मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि इस वीडियो में 10 से 15% का टाइम लगेगा, 10 से 15 मिनट का टाइम लगेगा, इसलिए वीडियो के साथ शुरू से जुड़िएगा। मैं 9 वो टिप्स बताऊँगा जिनके कारण 10% कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो सक्सेस होते हैं और बाकी 90% हैं वो सक्सेस नहीं होते हैं। इसके कई कारण हैं, ये बहुत ही रोचक वीडियो होने वाला है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर सुनिएगा। देखिए मित्रों, मेरा अनुभव कहता है कि जितने ठेकेदार बनते हैं, जितने भी सारे डिपार्टमेंट्स में जितने रजिस्ट्रेशन होते हैं, उनमें से आने वाले 3 साल में 10% ठेकेदार ही सफल हो पाते हैं और 90% ठेकेदार असफल हो जाते हैं, या यूं कह सकते हैं ज्यों के त्यों रह जाते हैं, या यूं कह सकते हैं थोड़ा थोड़ा काम करके वो धीरे 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 डिक्रीज होने लग जाते हैं और 3 साल बाद में अपना व्यवसाय बंद कर देते हैं, या यूं कह सकते हैं कि अपने व्यवसाय को दूसरा व्यवसाय चुन लेते हैं। क्या कारण है उनके? ऐसे एक नहीं, सैकड़ों कारण होते हैं और उन सैकड़ों कारण में से मेरी समझ में जो कारण आए हैं वो 9 कारण मैं लेके आया हूँ आपके सामने, उन पे चर्चा करते हैं। मेरी समझ में पहला कारण होता है कि उनके पास कोई प्लान नहीं होता है। देखिए सज्जनों, जीवन में आपको कोई भी काम करना है, ठेकेदारी काम है या कोई भी काम करना है, आपको अपना प्लान बनाना पड़ेगा। बिना प्लान के आप यदि गोल करेंगे तो आपका गोल आउट हो जाएगा, कहीं बाहर चला जाएगा, इसलिए आपको प्लान करना पड़ेगा। और जब तक आप प्लान नहीं करते हैं आप सक्सेस नहीं होंगे। इसलिए कोई भी काम करें, कोई भी ठेकेदारी करें, कोई भी बिजनेस करें या ठेकेदारी में भी कोई भी वर्क करें, हर वर्क का प्लान होना चाहिए कि अपने को ये काम करना है, वो सारा पेपर आउट होना चाहिए, पेपर के ऊपर आपको लिखना चाहिए, तभी आप सक्सेस होंगे। यदि आप पेपर पे पेन कागज लेकर के नहीं, आजकल लैपटॉप का ज़माना है, मोबाइल का ज़माना, आप उन पर लिख सकते हैं, मगर आप अपने प्लान ज़रूर लिखिएगा। जब तक आप अपने प्लान्स नहीं लिखेंगे तब तक आप वो ऊंचाइयां नहीं पा पाएंगे जो आपको पानी चाहिए थी, जो अचीव करना चाह तो वो नहीं कर पाएंगे। अब दूसरी बात आती है कि गोल्स नहीं बनाते। 10% ठेकेदार ही अपने गोल तय करते हैं कि अपने को इस साल में ये गोल तय करने हैं, और गोल तय करने के बाद में कितनी पूंजी आती है आपके पास, उस पूंजी के अनुसार गोल आपको निर्धारित करने पड़ेंगे। आप सपोज कीजिए आपके 10 गोल हैं कि अपने को ये 10 काम इस साल में करने हैं, तो आप 10 काम आपको करने हैं, मगर वो काम तभी हो पाएंगे जब आपके पास फंड्स की अवेलेबिलिटी होगी, जब आपके पैसा आया, पास में पैसा आएगा, जब आपके पास प्रॉफिट आएगा, तभी तो वो गोल्स अचीव होंगे। तो उन गोल्स में से आप नंबर 1 गोल को लीजिए और 1 नंबर गोल जो आपकी पहले नंबर की गोल है उस पर आप फोकस कीजिए, और वो गोल जब पूरी हो जाती है तो दूसरी पे कीजिए। ऐसे आदि साल में 12 महीने होते हैं, 12 महीने में 1.25 महीने में आप 1-1 गोल को अचीव करेंगे तो आपकी सारी गोल अचीव हो जाएंगी और अगली साल की गोल आप अलग से तय कर लीजिए। अब बात आती है तीसरा टारगेट की। जो फेल होते हैं वो नो टारगेट, उनके पास कोई टारगेट नहीं है, उनके पास जो मैं बता रहा हूँ ना, नो प्लान, नो गोल, नो टारगेट्स। तो उनके पास जो फेल होते हैं, या यूं कह सकते हैं जो 3 साल बाद में 90% लोग जो काम नहीं कर पाते हैं, उसके पास ये है कि उनके टारगेट नहीं हो। देखिए सज्जनों, आपने डी क्लास में रजिस्ट्रेशन कराया है, डी क्लास में रजिस्ट्रेशन कराने का मतलब है कि आप नए अदने से ठेकेदार हैं, और अदने से ठेकेदार होने के कारण आपकी लाइबिलिटियाँ भी कम हैं, लाइबिलिटीज भी बहुत कम हैं, और आपकी जो अर्निंग है वो भी कम है। अर्निंग के हिसाब से आप लाइबिलिटीज लेंगे तो आप काम कर सकेंगे, तो इसलिए आप अपने टारगेट ऊंचे रखिएगा हमेशा। कई बार क्या है कि कई आदमी नेगेटिव बहुत होते हैं, इतना क्या कमा पाएंगे? अरे भाई क्यों नहीं कमा पाते, जब रतन टाटा जी इतना कमा सकते हैं, आपको पता है रतन टाटा जी की हिस्ट्री, आप पढ़ना आपको पता चल जाएगा। जब धीरू भाई अंबानी जी इतना कमा सकते हैं तो आप और हम क्यों नहीं कमा सकते? हाँ, ये जरूर है कि हम उतने नहीं बन सकते, बन भी सकते हैं, मगर आप वहां तक नहीं पहुंचना चाहते। तो आप ये सोचिए कि आप भी कमा सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, इसलिए अपने टारगेट आप ऊंचा कीजिए। अब टारगेट ऊंचा करेंगे तो होगा क्या, आपके घर वाले आपकी मजाक उड़ाएंगे, इतना कमा लेगा तू, हो गया क्या इतना कमाने वाला, तेरे को पता है, इस तरह की बातें करेंगे। मेरे चाचा जी ने मेरे को खुद को कहा था कि तेरे को कपड़े पहनने पूरे नहीं आते, तू क्या ठेकेदारी करेगा,
और मैंने ठेकेदारी करके दिखाई। ये सबसे पहले आपको डिमोरलाइज घर वाले ही करते हैं, ये मान के चलिए आप, या आपका मित्र जो आपके नज़दीक रहता है, क्योंकि आप जिनके साथ रहते हैं वो सबसे पहले उनके साथ में बात शेयर करते हैं, और जब आप उनके साथ में बात शेयर करते हैं तो वही आपको नेगेटिव लाने की कोशिश करते हैं। इसलिए अपने टारगेट बनाइएगा, और टारगेट में भी ये बात कहूँगा मैं आपको कि कम से कम आप अपने टारगेट जितने आप अचीव कर पाते हैं उससे दुगने बनाइए। जैसे मान लीजिए आप इस साल वर्क करते हैं तो उसका वर्क का आपका टारगेट होगा, उससे आप 50% अगले साल का टारगेट ज़्यादा अचीव करने की कोशिश कीजिए। जब आप टारगेट ऊंचा करेंगे तभी आप प्रोग्रेस करेंगे। सेटिस्फिकेशन, जहां संतुष्टि हो गई वहां आपकी प्रोग्रेस डाउन आने लग जाएगी, और आप संतुष्ट हो जाएंगे, ठीक है आपने 25% का किया था और 25% अपने टारगेट अचीव कर लिए। तो मैं कहूंगा आपको टारगेट दुगने करनी चाहिए, 50% तो मिनिमम करना चाहिए, क्योंकि कई बार आप बिना टारगेट के भी बहुत ऊंचाइयां ले सकते हैं। तो टारगेट जब आप ले लेते हैं तो आपका टारगेट ज़्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, मगर कम नहीं होना चाहिए। और यदि कम होगा तो आपके मन में एक टीस होनी चाहिए कि क्या कारण रहा जिसके कारण ये टारगेट अपन नहीं अचीव कर पाए। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब अगली बात, जो 90% ठेकेदार जो सफल नहीं होते हैं उनके पास नो नॉलेज, नॉलेज नहीं होता उनके पास। नॉलेज का मतलब है मेरा अनुभव। ठेकेदारी बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आठवीं फेल आदमी भी कर सकता है ठेकेदारी। और ठेकेदारी बिजनेस मैंने डॉक्टर्स को करते देखा है, इंजीनियर्स को करते देखा है, वकीलों को करते देखा है, सीए साहब को भी मैंने ठेकेदारी बिजनेस करते देखा है। वो सफल क्यों हो जाते हैं कि उनके पास नॉलेज होता है, प्रैक्टिकली नॉलेज। जब तक आप किसी वर्क का नहीं होगा ना, सुनार का काम आपको करना है तो सोने की जानकारी आपको होनी चाहिए कि सोना सही है या गलत है। इसीलिए ठेकेदारी का काम करना है आपको तो प्रैक्टिकली आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। यदि आपके पास प्रैक्टिकली नॉलेज नहीं है तो आपको ऐसे कर्मचारियों को हायर करना चाहिए जो कर्मचारियों को प्रैक्टिकल नॉलेज है। तो ये नॉलेज आपको होना बहुत ज़रूरी है, और बिना अनुभव के ठेकेदारी तो एक ऐसा बिजनेस है जिसमें बिना अनुभव के तो रजिस्ट्रेशन ही नहीं होता। यानी यूँ कह सकते हैं कि ठेकेदारी का लाइसेंस ही तब बनता है जब आपको अनुभव होता है। तो इसलिए इस बात को ध्यान दीजिएगा। अगली बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि उनके पास जो 90% आदमी असफल होते हैं उनके पास नो कैपिटल, कैपिटल नहीं होती है। और देखिए सज्जनों, बिना कैपिटल के कहने को कोई कुछ भी कह देवे चाहे, मगर बिना धन के कुछ नहीं होता है। आप राम राम भी करेंगे ना तो उसमें भी धन खर्च होता है, उसमें भी एनर्जी खत्म होती है आपकी। एनर्जी के लिए आपको कुछ पैसा लगाना पड़ता है, खाना पड़ता है, पीना पड़ता है, अच्छी व्यवस्था रखनी पड़ती है, साफ सफाई करनी पड़ती है, और बिना पैसे के नहीं होती है। तो कुछ भी आप करेंगे ना तो वहाँ पैसे की जरूरत पड़ेगी। मनी इज नॉट एवरीथिंग बट समथिंग, ये मैंने एक नहीं सैकड़ों वीडियो में मैंने कहा है कि धन सब कुछ नहीं है मगर कुछ है, और इस कुछ हो है के लिए आपको कमाना पड़ता है। और जब आपके पास कैपिटल ही नहीं होगी तो फिर आप बिजनेस कैसे कर पाएंगे। इसलिए जो बिजनेस आप, हाँ कैपिटल में ये हो सकता है कि आपको 100% कैपिटल चाहिए तो 100% कैपिटल से आप बहुत उसी ऊंचाइयाँ छू सकते हैं, मगर यदि आपके पास 10-20% भी कैपिटल है तो आप बिजनेस कर सकते हैं। इसलिए कैपिटल का जुगाड़ जरूर कीजिए। जब तक आपके पास कैपिटल नहीं हो, कैपिटल भी 3 तरह की होती है, ध्यान दीजिए। एक कैपिटल मान लीजिए आपके पास पैसे नहीं है और आपने ठेकेदारी शुरू कर दी, तो एक कैपिटल आप लोन लेते हैं, बैंक से लोन लेते हैं, उसका इंटरेस्ट बहुत कम होता है, और वो धीरे 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 आपको 5 साल में चुकाना पड़ता है, 3 साल में, जैसा टाइम होराइजन आपने दिया है। एक कैपिटल ऐसा आपने किसी जीजा से ले ली, किसी साले से ले ली, किसी ताऊ से ले ली, किसी चाचा से ले ली, और वो जब आपका काम थोड़ा सा पीक पे आएगा ना उस समय कह देंगे मेरे को तो मेरे पैसे चाहिए अभी के अभी दे। ऐसी स्थिति में आप मजबूर हो जाएंगे। तो ऐसी कैपिटल लगा करके आप बिजनेस मत कीजिएगा। हाँ यदि ऐसी स्थिति आपके पास है, यानी ये समस्या आपके साथ जुड़ी हुई है, तो इन समस्याओं का निदान ये है कि आपको थोड़े दिन रुक के ठेकेदारी शुरू करनी चाहिए। और ऐसी स्थिति में जब आपके पास धीरे धीरे, मैंने ऐसे ही किया था, मेरी सैलरी में से मेरे मेरे जो पॉकेट मनी थी वो धीरे धीरे बचाई, और 5-7 साल पॉकेट मनी बचा करके मैंने अपना बिजनेस शुरू कर लिया। थोड़े से पैसों में उस समय बिजनेस आराम से हो सकता था क्योंकि सस्ते का ज़माना था। जो सरिया आज 50 रुपये किलो मिल रहा है वो सरिया 1 रुपये किलो मिलता था। तो ये देखिए आप, मतलब फ़र्क तो वक्त का और ज़माने का फ़र्क आता है, मगर हम 9,000 का जो पहला रनिंग बिल आता था ना हमारा, तो 9,000 का चेक कटता था, और ऐसे राजी होते जैसे 9 करोड़ का चेक कटा हो। तो
ये स्थितियां भी हमारे साथ थी। साल का टर्न ओवर भी हमारा कितना होता था ये हम जानते हैं, बताते ही शर्म आती है। आजकल के बच्चों को बताते हैं वो शर्म आती है उनको, वो कहते हैं अंकल जी आपने साल भर में इतना ही वर्क किया। अरे भाई इतना वर्क उस समय बहुत होता था। ये जमाने की दुनिया की परिस्थितियां हैं और साल दर साल बढ़ती रहती हैं। आजकल करोड़ों के काम भी कम होते हैं और कम पड़ते हैं, और उस समय हजारों के काम भी बढ़िया माने जाते हैं। अगली बात आती है मित्रों, वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, मैंने जो पहले बताया था आपको उस बात पे ध्यान दीजिएगा, आप छोड़ के मत जाइएगा। अगली बात आती है आपको कि जो 90% ठेकेदार सफल नहीं हो पाते हैं उनके साथ एक प्रॉब्लम होती है, कॉन्फिडेंस नहीं होता। जब तक आपको किसी भी वर्क में, चाहे आप ठेकेदारी करें, कोई भी बिजनेस करें, या यूं कह सकते हैं आप यहां से बाजार भी जाना है आपको, तो जब तक आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं हुआ तब तक आप घर से रवाना ही नहीं होंगे। और कॉन्फिडेंस के साथ में शुरुआत आपको करनी पड़ेगी। देखिए सजनों, जब तक आप एक पैर उठा के दूसरा पैर तब उठेगा जब तक आप पहला पैर नहीं उठाएंगे। तो इस बात को ध्यान दीजिए, छोटी सी टिप है मगर बहुत जरूरी है। पहला पैर कदम आपको बढ़ाना पड़ेगा, न आपके परिवार का कोई सदस्य बढ़ाएगा। यदि आप बिजनेस करना चाहते हैं शुरुआत आपसे करनी पड़ेगी, विद कॉन्फिडेंस होनी चाहिए। बिना कॉन्फिडेंस के कुछ भी नहीं कर सकते। शुरू शुरू में मैंने जब वीडियो बनाया था ना, तो मेरे लड़के ने कहा था पापा जी आप इस उम्र में क्या वीडियो बना पाएंगे, मगर मेरे को कॉन्फिडेंस था कि मैं बना पाऊंगा और आज आप सुन भी रहे हैं। तो बिना बिना कॉन्फिडेंस के कुछ नहीं होता बेटो। इसलिए मैं कहूँगा आप अपना कॉन्फिडेंस है वो कभी लूज मत होने दीजिएगा। किसी भी परिस्थिति में आपने कॉन्फिडेंस को बचाए रखिएगा। यदि आपके पास कॉन्फिडेंस है बहुत कुछ कर सकते हैं आप। एवरीथिंग इज पॉसिबल। दुनिया में ऐसा कुछ, आपने नाम सुना होगा किसी का, मुझे शायद याद है वो हिटलर साहब थे, उन्होंने अपनी डायरी में से इम्पॉसिबल नाम ही हटा दिया था। देर इज नो इम्पॉसिबल, यहाँ कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, सब कुछ संभव है। और सब कुछ संभव तब होता है जब आप में विल पावर होगा, कॉन्फिडेंस होगा, तो सब कुछ कर सकते हो आप। और जब आप में कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा तो क्या कर पाएंगे आप। इसलिए वो इसलिए फेल हो जाते हैं या इसलिए वो पूरा अपना अचीव नहीं कर पाते। अब बात आती है कि 10% जो ठेकेदार सफल होते हैं वो क्यों होते हैं। वो होते हैं प्रैक्टिकल होते हैं वो, और जो 90% असफल होते हैं वो नो प्रैक्टिकल, यानी वो दिखावा दिखाने में तो बहुत होशियार होते हैं। गाड़ी ले आए, घोड़ा ले आए, ये लिया है, वो लिया है, बातें करो उनसे, बड़ी बड़ी बातें करें, वो नेताजी हमारे हैं, वो नेताजी। अरे भाई नेताजी थोड़े ही काम करेंगे, नेताजी काम नहीं करेंगे, आप काम करेंगे। इसलिए इस बात का प्रचार मत करो वो नेताजी मेरे साले हैं, वो मेरे ये हैं, वो चीफ साहब मेरे ये हैं, वो हैं। ऐसी बातें करने से कुछ नहीं होता। आप प्रैक्टिकल होइए, जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं होंगे तब तक ये इन बातों में कुछ नहीं रखा है। इसलिए ज़्यादातर ठेकेदारों को मैंने ये देखा है जो फेल होते हैं ना, उनको वो बातें करते रहते हैं और 2-3 साल छुपी हुई बेरोजगारी उनको ले डूबती है, और वो छुपी हुई बेरोजगारी के कारण 3 साल बाद में फेल हो जाते हैं। अब अगला जो मैं बता रहा हूँ, उनके पास में नो स्किल, कोई स्किल नहीं होती, कोई विशेष दक्षता होनी चाहिए आदमी में। मान लीजिए मैं RCC ओवर टैंक के मामले में स्किल था, तो मैंने वो वर्क बहुत किए हैं। तो किसी भी मामले में आप स्किल्ड होने चाहिए। जब तक आप स्किल्डनेस नहीं होगी, आपके अंदर क्वालिटी नहीं होगी, तब तक आप ज़्यादा अपने बिजनेस में सफल नहीं होते। ये भी एक कारण रहा है। वो ट्रेनिंग वगैरह नहीं लेते, कोई जानकारी नहीं लेते, मतलब कोई भी, आजकल तो बहुत ट्रेनिंग मिलती है, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। और नहीं तो मेरे वीडियो देख करके आप जानकारी ले सकते हैं, पुराने जो वीडियोज हैं उनको देख सकते ले सकते हैं। और अगली जो बात मैं बताना चाहता हूँ, 9 नंबर की बात है, वो होती है, वो है नो टाइम। जो 90% ठेकेदार असफल होते हैं वो टाइम नहीं देते अपने बिजनेस को। ध्यान दीजिए इस बात को, छोटी बात नहीं है। ठेकेदारी एक बिजनेस ऐसा है, इसमें आप जब भी इंटर होते हैं तो आपको ये मानना चाहिए कि 10 से 12 घंटे मुझे मिनिमम इस बिजनेस में देने पड़ेंगे। यदि आप ध्यान से सुनिए इस बात को, मैं दोबारा जोर दे के कर रहा हूँ, यदि आप ठेकेदारी को पार्ट टाइम जॉब मानते हैं तो पार्ट टाइम जितना ही कमा पाएंगे। और इस बिजनेस में आप जितना टाइम देंगे, जितना ज्यादा टाइम देंगे, यानी यूं कह सकते हैं अपने देशी भाषा में कहते हैं ना कि मरण नहीं फुर्सत को नहीं, यदि आप इस स्थिति में काम करेंगे ना तो ठेकेदारी क्या सफल नहीं होगी, आप बहुत कुछ सफल हो जाएंगे, बहुत कुछ कमा पाएंगे और बहुत कुछ प्रोग्रेस कर पाएंगे। मगर शर्त ये की है कि आपको इस टाइम में देना पड़ेगा आपको, और वो टाइम आपका 10 से 12 घंटे तो कम से कम बताया मैंने। हमारे टाइम में तो हम 16-16 घंटे 16-16 घंटे काम करते थे। ताजुब करेंगे आप, सुबह आंख खुली और मुंह वगैरह धोया, चाय एक मतलब मुश्किल से चाय पी पाते थे,
और 1 बजे तक खाना नहीं खाते थे और लगे रहते थे। और 1 बजे खाना खाया, 1-1.5 घंटा थोड़ा सा कुछ आराम किया, और फिर भरी दोपहरी में 2:30 बजे 3 बजे काम लग जाते थे और रात को 9 बजे तक काम करते थे। कई बार तो वो पेट्रोमैक्स आते थे उनमें, वो ऐसे कर करा के क्या बताऊँ आपको, बहुत मतलब वो परेशानियाँ भुगती हैं और उसके कारण ही सफल हो पाए। इसलिए मैं कहूँगा इस वीडियो को आप अपने सारे दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगता है कमेंट्स कीजिएगा, जितने आपके कमेंट्स आएंगे उतना मुझे मोटिवेशन मिलेगा, दूसरा मेरा अनुभव बढ़ेगा और मेरे मुझे पता चलेगा कि आप क्या चाहते हैं और मैं क्या परोस रहा हूँ। नमस्कार।